देखा जाए तो हम पिछले 1 सालों में पूरा बॉडी वेट 7 kg गेन कर पाए। मैंने 2023 अक्टूबर से एक प्लेटफॉर्म बनाया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। बिल्कुल लगा था थोड़ा बहुत क्या होता है बताए, फर्स्ट फर्स्ट में इजी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, नेचुरली बहुत मुश्किल होता है बॉडी बनाना। तो मुझे हर चीज़ नेचुरली करना है, पहले ये बता दूं मैं आप लोग को, मुझे हर चीज़ नेचुरली करना है। कोई ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है कि जो मैं अननेचुरल चीज़ में जाऊं, क्योंकि भाई हमें लंबा लंबा तक जीना है एकदम प्रॉपर हेल्दी तरीका से। मैं मेरे जनरेशन्स और जो भी आने वाले जनरेशन है मेरे कंट्री के, मैं एक्चुअली हूँ नेपाल का तो इंडिया में रहता हूँ, तो मैं सबको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ से दूर रहो, ये चीज़ को आगे लेके आओ। अगर तुम्हारा फिजिक्स ही मेन है, फिजिक्स ही अच्छा रहेगा, हर चीज़ तुम कर सकते हो। जिम जाना, बॉडी बनाना, ये शो अप नहीं करना है, अपने को मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है। अगर कोई भी आदमी जिम जाता है तो उसका मेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो हर चीज़ करने की कोशिश करता है। सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक वो हर चीज़ करना चाहेगा कि मैं पूरा दिन भर मैंने क्या किया है, उसको रियलाइज हो गया कि हाँ मैंने आज अच्छा काम किया। ये नहीं कि भाई बॉडी बनाना सबसे ज़रूरी चीज़ है, हेल्थ सबसे बेस्ट होना चाहिए। आपका हेल्थ ही मेन रहेगा, अपना शरीर ही घर ही अच्छा रहेगा ना, आप कुछ भी कर सकते हो भाई। मैं पिछले 1 सालों में पूरा 7 kg गेन कर पाया। आने वाले कुछ और सालों में मुझे एक ग्रेट फिजिक्स करना है कि एक अच्छा वाला, मैं वो प्लेटफॉर्म में जाना चाहता हूँ जो मैं सोच के रखा हूँ। अभी उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए। 1 सालों में यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, सालों लगेंगे, तो मैं वो चीज़ से कभी दूर नहीं जाऊँगा। मेरे साथ जो भी आएगा मैं उनको भी सिखाऊँगा और आप लोग को भी। हर चीज़ पॉसिबली करना है मुझे, ये मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं करके दिखाऊँगा। ये तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हर चीज़ पॉसिबल है नेचुरली। और आगे बहुत सारे ऐसे लोग है कि बैठे हुए हमसे एकदम नेचुरली करके बैठे हैं, भाई उन लोग से सीखना सबसे ज़रूरी होता है। मैं उनको देख के सीखता हूँ कि अगर वो लोग ने कर पाए तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है कि मुझे जो मोटिवेट करे, मैं खुद को खुद ही मोटिवेट करता हूँ और किसी से सलाह भी नहीं लेता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो भी अपना डिसीजन हो खुद ही लो, अगर आप कुछ कर रहे हो तो खुद ही डिसीजन लेना, किसी से पूछना भी नहीं। अगर तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो तो पूछ लो, अगर तुम सही पे हो तो खुद ही डिसीजन ले लो भाई, किसी से कोई एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से 2-3 महीने तक हम एक बल्किंग जर्नी करने वाले हैं, इसके हम सीरीज बनाएंगे और जो फिजिक्स क्रिएट करने वाले हैं 2035 में, तो उसका एक प्लस पॉइंट रखेंगे हम। अभी हमारा प्लस पॉइंट 1 में है, तो हम 5 तक करेंगे एक प्लस पॉइंट। तो वो चीज़ के लिए मुझे बहुत सारा चीज़ मेहनत करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर आप लोग भी तैयार हो तो मेरे साथ करने की कोशिश करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। आज हम बहुत दिनों के बाद एक नया व्लॉग बनाने जा रहे हैं, तो बने रहना हमारे साथ। ये वीडियो काफ़ी मोटिवेट होने वाला है। बैकपैक हो चुका है ऑलरेडी, टाइम भी हो चुका है, अभी दोपहर के 12 बज गए। निकलते हैं जिम के लिए, डायरेक्ट मिलेंगे आपको जिम पे। One, two, three, four, two, one, two, three, four,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स डाउन सेवन हंड्रेड एट एट नाइन टेन टू इलेवन वन मोर टू टू वन मोर आज हम ज़्यादातर मशीन के एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट हमने इंक्लाइन बेंच मशीन के तीन सेट करने उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा करेंगे। उसके बाद चेस्ट के लिए बेंच प्रेस करेंगे डंबल चेस्ट बेंच प्रेस टू थ्री Come on, one, two, oh. Oh. Three, oh. One, two, three. तो कोई भी वर्कआउट कोई भी रेपिटेशन जब हम करते हैं उसमें हमारा मेन पॉइंट क्या होता है कि हमारा मूवमेंट किस तरह हो रहा है सबसे ज़्यादा। ऐसे नहीं कि वर्कआउट करना सबसे वो नहीं है, अलग बात। मेन चीज़ क्या होना कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका क्लियर है कि नहीं वर्कआउट, बैलेंस कैसा है, आप किस तरह डंबल रॉड किस तरह आप पकड़ते हो उसमें ज़्यादा फोकस करना है सबको, क्योंकि मोशंस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हो क्या होता है कि बॉडी के लिए। जब भी आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें वो इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स है, मैं भी बिगिनर्स हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो मेरे से आगे सीनियरिटी वाले वर्कआउट करते तो उन लोग को बॉडी बना है, ऐसा भी नहीं बना है, लेकिन उन लोग का वर्कआउट कभी कभी क्या होता है कि वो गलत तरीका से भी होता है। उनका परफॉर्मेंस हैवी वेट डालना जो उसमें वर्कआउट करना ये सब चीज़ होता है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि अगर हम कोई भी वर्कआउट करेंगे ना परफॉर्मेंस भले लाइट वेट लो, आपका मोशंस सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि परफेक्ट तरीका से होना चाहिए। तू समझा? हाँ नहीं तू वन टू थ्री ओ टू फाइव सेवन थ्री फोर फाइव अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सच में हार्ड वर्क कर रहे हो, दो टाइप ज़िंदगी जी रहे हो, काम पे भी वर्कआउट के ऊपर भी, भले वर्कआउट ना हो दूसरा कोई अपना हार्ड वर्क हो तो उसके आप कुछ कर रहे हो तो उसका रिजल्ट नहीं दिखता है ना, तो आदमी सच में डिमोटिवेट हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए क्या करना है बताएं? इस चीज़ के लिए मेन अपने आप पर भरोसा रखो, वन डे विल बी सक्सेस, क्योंकि हर चीज़ ईजीली मिल जाए ना उसका वैल्यू नहीं रहेगा। तभी मैं कभी भी सोचता हूँ अगर वैल्यूएबल कुछ करना है, सच में कुछ करना है, तो हम स्लोली ग्रो करेंगे। भले मेरे को 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4, 5, 10 साल लगे, फिर भी ये चीज़ मुझे करना ही है। अगर हम पहले हार मानेंगे ना, अरे यार इतना साल तक हम लोग कर सकेंगे कि नहीं करेंगे, फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा कहाँ से आएगा? पहले लाइफ जीने का मज़ा होना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना ही सबसे ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आई थिंक पैसा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप जीते कैसे हो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, लाइफ कैसे जीते हो, तो वो चीज़ सबको एग्री करना चाहिए। Four, five, six, seven, eight, nine, ten.
जब भी हम मसल्स को हीट नहीं करेंगे ना, तब तक तो कुछ ग्रो होने वाला नहीं है। रेपिटेशन के चक्कर में मत पड़ो, ये नहीं कि 15 रेपिटेशन के 3 सेट करना है, 4 सेट करना है। लेकिन कोई भी वर्कआउट, अगर तुम 10 से ऊपर जाते हो, 15 से ऊपर जाते हो, 10 से नीचे भी जाते हो, तो तुम्हारा रेपिटेशन प्रॉपर होना चाहिए। वो कंप्लीट करना ही सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है, पूरा परफॉर्मेंस कैसा है वो मेन जरूरी है, तभी वो मसल्स दिखने लगेंगे। जब तक तुम मसल्स को हीट नहीं करोगे ना, तब तक नॉर्मली फिजिक्स बनेगी। अगर सच में बॉडी कुछ बनाने की चाहते हो तो वो चीज़ तो करनी पड़ेगा। ओ कम ऑन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see